आंद्रे रसल ने 14 गेंद की पारी में 6 छक्के लगाकर वेस्टइंडीज को श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मैच में 7 विकेट से जीत दिला दी है। इसके साथ ही विंडीज ने शुक्रवार को पालेकल सीरीज पर 2-0 से कब्जा भी कर लिया है। ब्रांडन किंग और आंद्रे रसल की ताबड़तोड़ पारियों के दम पर वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की टी20 सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। 2018 के बाद कैरिबियाई टीम ने पहली टी20 सीरीज जीती है। इस मैच में रसल ने 14 गेंदों में 6 छक्के की मदद से 40 रन की तूफानी पारी खेली। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। रसल ने अपनी इस पारी में 6 छक्के जड़े। उन्होंने 2 लगातार छक्के लाहिरू कुमारा की गेंद पर जड़े, 1 छक्का परेरा की गेंद पर जड़ा और 2 छक्के मलिंगा की गेंद पर भी जड़े। 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर मैथ्यूज की बॉल को छक्के के लिए उड़ाते हुए टीम को जीत दिलाई। रसल ने मैच के बाद कहा, हम सही समय पर फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों पर हमें काम करने की जरूरत है। आंद्रे रसल मैच के दौरान भी अपना कंधा संभालते नजर आए थे। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।